देश के अंदर रेल हादसे के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा देखने को मिलता ही रहता है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दिन भी एक ऐसा ही हादसा हो गया, जब अहमदाबाद से मुंबई जा रही MMCT डबल डेकर ट्रेन डीरेल हो गई। ये घटना सुबह करीब 8:50 कोठानगाम रेलवे स्टेशन के पास हुई। इस हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना तब हुई जब ट्रेन का कपलर टूट गया। इस वजह से ट्रेन के कोच नंबर 7 और 8 चलती ट्रेन से अलग हो गए। हालांकि ट्रेन की गति धीमी होने के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई और कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। गोठानगाम स्टेशन के पास हुए इस हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। वहीं ट्रेन के चालक दल और रेलवे स्टाफ ने इस घटना में त्वरित प्रतिक्रिया दी और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आवश्यक जांच शुरू की। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा ट्रेन के कपलर में तकनीकी खामी के कारण हुआ है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद और जल्दी ही वैकल्पिक कपलर जोड़कर यात्रा को शुरू कर दिया गया। इस हादसे की वजह से अहमदाबाद और मुंबई के बीच रेल यातायात प्रभावित रही, जिससे कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इस व्यवधान के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक निर्धारित समय से देरी से पहुंचने की उम्मीद है। रेलवे विभाग ने तुरंत ही आश्वासन दिया कि डिब्बों को फिर से जोड़ने और सामान्य परिचालन फिर से शुरू करने के प्रयास जारी है। फिलहाल कपलर जोड़कर यात्रा को शुरू कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भी असलाना इलाके में पथरिया के पास एक बड़ा रेल हादसा टल गया था। यहाँ मालगाड़ी के 4 डिब्बे पलट गए थे। ये घटना मंगलवार की सुबह हुई। इस दौरान मालगाड़ी के इंजन ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे, जिस वजह से डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ था। हालांकि बिना कटनी रेल मार्ग की सेवाएं प्रभावित हुई थी। जानकारी के अनुसार ट्रैक धंसने की वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए थे, जिस वजह से मालगाड़ी के डिब्बे ट्रैक से उतर गए थे। इस हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक को बंद कर दिया गया था। दरभंगा यात्री ट्रेन के यात्री भी उसी समय उस मार्ग पर खड़े थे, लेकिन किसी को भी कोई चोट नहीं लगी है।